हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ए वेरी हाईलाइटेड इशूज नाउ इन डेज इन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर, ऑल ऑफ वन डिस्कसिंग अबाउट द ओनली इशू विच इज़ अ नॉट इशू, दैट इज हिजाब। हिजाब का विषय आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या इसका चर्चा में होना जरूरी है? ऐसा कुछ है इसमें? इज इट एनीथिंग इन दिस इशू विच इज ऑब्जेक्शनेबल, विच इज ए काइंड ऑफ विवादास्पद? ऐसा क्या है? When then the two communities are in front of them, one is on favor, one is on objection. So, first of all, we have to know about that. What is a hijab? According to the Muslim law and the culture, you know that hijab. First of all, you have to know hijab is a burqa or headscarf. ये समझना जरूरी है, बुरका है या headscarf है, ये दोनों क्या है जिसके लिए सबसे ज्यादा बहस हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस विषय में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने हेड स्कार्फ के लिए मना किया, विच इज नोन एज द हिजाब। एंड दिस इश्यूज मेनली कम फ्रॉम द कर्नाटका। फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव ओनली नो अबाउट द जजमेंट एंड व्हाट इज द इशू। वी आर नॉट कमिंग हेयर टू जस्टिफाई द जजमेंट एंड जस्टिफाई the hijab is a good thing or a bad thing. That's all. I am only come here to resolve the solution from myself, from my point of view, that is the good or bad. What is the issue? So you know that hijab is then defined in two parts, headscarf and burqa. First of all of them know that India is a democratic and secular setup country which allows you freedom of speech and expression. बोलने का विचार प्रकट करने का अधिकार, जो मैं आज बोल रहा हूं, दिस इज राइट इज कम हेयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति अपने तौर पर जो कहीं कोई दंगा फसाद या बलवा ये ऑब्जेक्शनेबल बातें नहीं करता है, तो वो अपनी बात सभ्य तरीके से कह सकता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब डिबेट में क्या चल रहा है, शरीयत या संविधान? सारे चैनल्स पे एक ही बात हो रही है, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर्स एंड ऑल ऑफ देम आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा। एग्जैक्टली, द कंट्री इज रन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेदर देन एनी लॉस। बट यू नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज यू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
आर्टिकल 25 to 28। पच्चीस से अट्ठाईस तक भारत के संविधान में इसके बारे में कहा गया है। सीधे सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। और ये चीज़ ना इम्पोज करने वाले समझ रहे हैं, अपोज करने वाले नहीं समझ रहे हैं, और इसका फेवर करने वाले भी नहीं समझ रहे हैं। इसमें विवादास्पद जैसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरे हाथ में भारत का संविधान है, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। नाउ मूव ऑन, देखेंगे। यहाँ देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसीजेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रैक्टिस, यू नो दैट प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस। अब रिलीजियस प्रैक्टिस में क्या आता है, यू नो दैट आई एम वेयरिंग ए टी शर्ट विच इज कलर फ्रॉम ए भगवा, ऑल ऑफ देम सेज दैट इट इज ओनली फॉर ए हिंदूज। नो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल ऑफ देम कैन वेयर ए भगवा, दिस इज नॉट अ इशू, जस्ट काइंड ऑफ लाइक दैट। इवन इट इज नॉट इशू, दैट इज नॉट इशू, ये चॉइस है बॉस, ये मेरा चॉइस कि मैं इस रंग का कुर्ता या शर्ट पहन सकता हूं या नहीं, ये पसंद की बात। पहला फर्स्ट पॉइंट पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये पहला बात, ये पहली चीज़ आप सब लोग समझ लें कि ये मुद्दा जो है पहले चॉइस पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे भी चलेंगे हम, ड्रेस कोड पे भी आएंगे, सारी बातों को क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस, जब रिलीजियस प्रैक्टिस करने की इजाज़त हमें संविधान दे रहा है सेक्शन 25 में, तब बात कहाँ क्या अटकती है, अब बात आ रही है कहाँ, अब बात आ रही है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 14 से लेकर पूरे 35 तक है। कोई भी बंदा नेट पे जाकर, विकिपीडिया पे जाकर गूगल करके ये चीज़ देख सकता है। हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, ठीक है। अब बात आ रही है कहाँ, ड्रेस कोड पे, है कि स्कूल का ड्रेस कोड है, ठीक है। अब देखना यह है कि बुर्के पे बहस हो रही है या हेड स्कार्फ पे बहस हो रही है, किससे वॉयलेशन हो रहा है ड्रेस कोड का, बुर्के से या हेड स्कार्फ से, है हेड स्कार्फ, देखिए ये है आपके स्क्रीन पर अभी शो होगा, इसको हेड स्कार्फ कहते हैं, ठीक है, और इसको कहेंगे बुर्का। द फुल कवरिंग अ बॉडी विच इज कम अक्रॉस टू द लेग विच इज अ बुर्का,
and head scarf is that which is only covering his hair, which is going through in that particular area, even like dupatta. अब इस देश में संविधान के गठन के बाद से लोगों को ये आज़ादी दी गई कि अपने पसंद का खाना पीना कपड़ा वो अपने पसंद के हिसाब से कर लें, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये तय वो खुद करेंगे, नो बडी विल जस्टिफाई इट इज़ अ गुड और बैड, क्या सही है क्या गलत है ये खुद तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी तय नहीं करेगी। तो हम अब कहाँ आके अटक गए हैं, हम यहाँ आके अटके हैं कि ड्रेस कोड हेड स्कार्फ से ड्रेस कोड का वॉयलेशन होता है। तब इस संविधान की परिरक्षा में ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस के तहत ही एक बात हम कहेंगे, भारत का कल्चरल राइट्स, भारत की सभ्यता हमारे भारत का जो कल्चर रहा है पूर्व से लेकर अभी तक, सभी लोग जानते हैं कि हमारी यहाँ जो नारी है वो सम्मान का विषय रही है और नारी का सम्मान करना, नारी को पूजा जाता है। अब हम भारतवासी जो हैं अपने आप को मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने क्या कर लिया है, हमने जहाँ लगाम डालनी चाहिए थी वहाँ लगाम नहीं डाली। अब आप देख सकते हैं इवन इंटरनेट देर इज़ अ लॉट्स ऑफ वेब सीरीज विच प्रमोट न्यूडिटी, वेब सीरीज न्यूडिटी प्रमोट कर रही है, नंगापन एरोटिक। आप लोग कहेंगे कि आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, समझने की बात है। अगर कोई बंदा हेड स्कार्फ लगा लेता है, कोई बंदी हेड स्कार्फ लगाती है और इवन इट इज़ इन ऑन फुल यूनिफॉर्म विथ शर्ट स्कर्ट इवन सलवार कमीज दुपट्टा एंड द सेम कलर ऑफ हिज हेड स्कार्फ, देर इज़ नो वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड। यू कैन गेस और सजेस्ट इवन इन विंटर, आप सोच सकते हैं जब जाड़ों का मौसम आता है तो हम शर्ट और पैंट के अलावा क्या पहनते हैं, स्वेटर, स्वेटर पहन लिया, कोट पहन लिया है, मफलर लगा लिया ज़्यादा ठंड, टोपी पहन ली टोपा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, दिस इज ड्रेस कोड और दिस इज वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड, आर यू हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ विंटर सीजन। ये विंटर सीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है, अगर आप स्कार्फ टोपी मफलर इवन स्वेटर नॉट वेयरिंग करते हैं तो आपको ठंड लग जाएगी, नोबडी कैन स्टॉप यू टू वेयरिंग दैट, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्यों, दिस इज द डिमांड ऑफ सीजन। देन दिस इज द डिमांड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, हाउ एनीबडी कैन स्टॉप यू टू प्रिवेंट एंड फॉलो योर रिलीजियस प्रैक्टिस, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव यू द परमिशन टू फॉलो योर प्रैक्टिस, योर रिलीजियस बिलीफ, नोबडी कैन स्टॉप यू, वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन डिसएग्री विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट विथ वेरी गो टू द हायर कोर्ट एंड अपील ऑन दैट जजमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट आई एम ओनली सेइंग अबाउट माई ओपिनियन, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट, एंड आई एम गोइंग इवन वाइज आई एम स्टार्टिंग ऑन माई लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग ऑलरेडी दैट आई एम नॉट अपोज हेयर
I am just saying about my opinion on the point of constitution where I am remember, where I am understand by the way of that. If winter season allow a toppa and scarf for school, then why head scarf is not essential part of a religious belief? Head scarf क्यों allow नहीं कर सकते? इसलिए ये totally political and influence related है, nothing else है, कुछ भी नहीं है. अब ये बात कहने के बाद अब जो बात मैं कह रहा हूं, अब ये कहना है इट इज ए पार्ट ऑफ द कुरान और नॉट. यस, द वर्ड सिमर इज यूज्ड इन कुरान व्हिच इज कन्वर्टेड इन इनटू इंग्लिश इज कॉल्ड वेल व्हिच इज नोन एज हेड स्कार्फ. हमारे हिंदू बहने, हमारी मुस्लिम बहने पहले भी दुपट्टा उड़ा करती थी, आज भी उड़ती हैं. उसी तरीके से हेड स्कार्फ, ये कोई कल्चर नहीं है, ये कोई फॉरेन कल्चर नहीं है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई ड्रेस कोड का वायलेशन नहीं है. जिस तरह ठंड में हमें ज़रूरत पड़ती है टोपी और मफलर पहनने की, उसी तरीके से हेड स्कार्फ हम यूज़ करते हैं ऑल सीजन फ्रॉम अपने बालों को ढकने के लिए, बालों को छुपाने के लिए, फ्रॉम दैट एरिया टू दैट एरिया, नथिंग एल्स. और इसमें कुछ नहीं, इवन ऑल पार्टीज. अब कोई अगर पूरा बुरका लबादा ओढ़ के आता है, देन दिस इज द वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड. वैसे सिचुएशन में आपके भैया आप दरवाजे के बाहर उतार के आओ उसको, आप प्रॉपर ड्रेस में आओ. इवन आई एम थिंक दैट यू कैन नॉट वेयर ए दिस कलर ऑफ ए हेयर स्कार्फ विच इज नॉट मैचिंग टू योर ड्रेस. मैं यहाँ पे भी एग्री करता हूँ कि जो आप हेड स्कार्फ लगाओ वो आपके यूनिफॉर्म से मैच करता हो. इवन यू कैन वेयर अ ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट, यू हैव टू वेयर हेड स्कार्फ इन वाइट कलर. तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. न शरीयत की ज़रूरत है, ना कुरान की ज़रूरत है, ज़रूरत सिर्फ संविधान की है. जब संविधान ने इजाज़त दे दिया रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बात ख़त्म हो गई. इशू क्या है? अब इसमें कुछ लड़कों को आपत्ति है. अब लड़कों को क्या करना है? तुम्हें क्या हेड स्कार्फ पहनना है? वो हेड स्कार्फ पहन क्या रही, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो ना. तुम्हें क्या करना है? तुम गमछा उछाल रहे हो, ऐसे यूँ घुमा रहे हो. अरे पढ़ो, लड़कियाँ आगे निकल जा रही हैं, तुमसे साइंटिस्ट बन जा रही हैं, डॉक्टर्स बन जा रही हैं, टॉप कर रही हैं मैट्रिक इंटर में, तुम गमछे उछाल रहे हो. तो मेरा यही कंक्लूजन था कि हिजाब इज अ पार्ट ऑफ ए चॉइस. ना आप इसको ज़बरदस्ती किसी पे थोप सकते हैं और ना उतरवा सकते हैं. कौन क्या पहनेगा ये उसका अधिकार है, विदाउट एनी वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड. ड्रेस कोड का वायलेशन ना हो तो ठीक है. और अगर आप जजमेंट से डिसएग्री करते हैं तो आप ऑनरेबल कोर्ट से अपील करें, हायर कोर्ट में जाएं, अपनी बात रखें, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें, लोकतांत्रिक ढंग से इस चीज़ का विरोध करें, ना कि कोर्ट की अवमानना करें. यही एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे लॉ स्टूडेंट, एक अच्छे एडवोकेट और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है. तो एक हेल्दी डिस्कशन रखें, एक हेल्दी पार्ट का नेचर है डिस्कशन, डिबेट का पार्ट वैसे नहीं जैसे आजकल के न्यूज़ डिबेट्स में हो रहा है. इस तरीके के डिबेट्स बिल्कुल भी हार्मफुल है. जो भी डिबेट्स आजकल हो रहे हैं वो देखने के लायक नहीं है, जो टोटली वायलेंस को प्रमोट करते हैं. आई कैन नॉट प्रमोट वायलेंस, आई कंटेम दैट काइंड ऑफ वायलेंस. प्लीज़ मेंटेन आवर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. जय हिंद, जय भारत.